Hello, Islam. This is Az again with this podcast. Shukriya Kamal for contributing and participating in our show. And I would like to thank Dr. Shafkat, who actually talked about radiology, gave us some good information. And a thank to Dr. Farooq. He actually shared some really valuable information regarding diabetes. So, yep, we need your support to keep this podcast going. So, aaj ka jo topic hai, wo thoda different hai. Pretty sure लोगों ने इसके बारे में काफ़ी इसके मुताबिक बातें की होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से डिस्कस करना चाहूँगा. सो अगेन, कंवल आज हमारे साथ हैं और कंवल से ही ये सवाल है कि कभी आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया और आप रियली ऑफेंड हो गई, मतलब रियली आप नाराज़ होंगे. हालांकि आपको पता है आपने कुछ कहीं पर गलतियाँ की हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कुछ लोग कुछ बात करेंगे, राइट? लेकिन फिर भी जब वही बात कोई आपसे कहता है या कहती है तो आप बहुत ऑफेंड हो जाती हैं. ऐसा क्यों होता है? ये सवाल जो है वो ऑडियंस के लिए भी है, जरूर आप कमेंट्स में बताएं. और ये ऐसा हमें क्यों महसूस होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि हम जो कुछ भी करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं और हमें कोई भी मतलब कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एज हम पाकिस्तानी खास तौर पर क्रिटिसाइज़ करना तो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि किसी ने भी कोई काम स्टार्ट किया है, कुछ भी किया है, तो हमारा अवलीन फ़र्ज़ है कि हम जाके उसको क्रिटिसाइज़ करें. उसके बगैर तो हमें रात में नींद नहीं आती. मेरे साथ ही एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हुआ है कि मेरे पास तो वो बहुत लंबी लिस्ट है बताने के लिए. क्योंकि पता है क्या, लोग क्रिटिसाइज़ उसको करते हैं जो चुपचाप उनका क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेते हैं. जो आगे से दो टोक जवाब देना, उसको फिर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता. और मैं पहले तो बड़ा सुन लेती थी, ठीक है आप ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मैं भी नहीं सुनती. और मज़े की बात है, जब से सुनना छोड़ा ना, तब से क्रिटिसिज्म बंद हो गया है. थैंक यू कमल. और फिर माइंड में कुछ ये बात आ रही है कि लोग कहते हैं अगर ये हेल्थी यू नो क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव आपने बात की है, तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देने की कोशिश करते हैं तब भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है. कहाँ पर वो फाइन लाइन है जहाँ पर आप थोड़ा सा उधर हो जाते हैं तो आपसे लोग नाराज़ हो जाते हैं, और आप थोड़ा इधर रहते हैं तो फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने तो कुछ क्रिटिसाइज़ किया ही नहीं. तो ये भी ज़रूर इसके बारे में बताएं. और ये जो सोशल मीडिया पर जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, ट्रोलिंग पर हम एक शो करेंगे, हमें ट्रोल चाहिए, रियल ट्रोल चाहिए जो हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करें. सो इस पर भी बात करते हैं. लेकिन आप ये बात ज़रूर बताएं कि वो जो फाइन लाइन की मैंने बात की है वो कहाँ पर हमने ड्रॉ की हुई है. मतलब आप अपने भाई बहनों से भी कुछ नहीं कह सकते, पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कह सकते. एक तो हमारे कल्चर में हर चीज़ जो बदतमीज़ी की कैटेगरी में चली जाती है. हालांकि आप सही हो, आपके पास सही नॉलेज है, आप अपने पेरेंट्स से वो बात कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन पेरेंट्स ने आपको रिजेक्ट कर दिया. आपके बड़े भाई, आपके बड़ी सिस्टर, आपके सीनियर्स हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते. तो ये भी हमारे कल्चर में आना चाहिए कि लोग एक दूसरे को सुन सकें, ठीक है? ये मतलब मैं अगर आपसे छोटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, तो आपके पास सारे राइट्स हैं कि मुझे आप मेरी कोई बात ना सुने, मुझे रिजेक्ट करें, मुझे इंसल्ट करें, मुझे लेट डाउन करें. ठीक है, लव भी है भाइयों का, वो सारी चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ एक जो हर हाउस होल्ड में, हर फैमिली में जो छोटा होता है उसे इस चीज़ से डील करना पड़ता है. और फिर उससे जो छोटा होता है वो बंदा वैसे उससे भी उसके साथ वैसे ही ट्रीट कर रहा होता है, ये कर रही होती है. तो ये भी थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है. प्रीवियस एक एग्जांपल दूंगी कि कुछ साल पहले आई स्टार्टेड मेकअप ब्लॉगिंग, ठीक है? तो मैं उस पर ना सिर्फ अपनी एक आई का मेकअप करके तो पिक्चर्स लगाया करती थी, जस्ट वन आई. तो अ कज़न ऑफ माइन जो कि सो कॉल्ड बहुत रिलीजियस, कॉल्ड मी एंड सेड ये तो दज्जाल का साइन है एक आंख, तुम ये मत लगाया करो. आई सेड ओके. मैंने फिर ग्रेजुअली कुछ टाइम तो मेकअप ब्लॉगिंग की विद बोथ आईज और समथिंग, लेकिन आई वाज नॉट कंफर्टेबल, तो फिर मैंने छोड़ दी. फिर बाय स्टार्ट ऑफ दिस ईयर आई स्टार्टेड डूइंग वॉइस ओवर्स, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग, एंड दैट स्पेसिफिक कजन कॉल्ड मी अगेन एंड वाज टेलिंग मी ये हराम है, तुम नामहरम को अपनी आवाज़ सुना रही हो, ये हराम है. फिर मैंने उधर ही उसको शट अप कॉल दी कि ये जो आप इतने ब्रांडेड जोड़े पहनती हैं, 10,000 का जोड़ा, ये हलाल है? इसका आपसे अल्लाह से सवाल नहीं होगा? आपका जो लाइफ स्टाइल है और आपसे निचले तबके जो है जैसे रहता है, उसका आपसे सवाल नहीं होगा? वो दिन है और आज के दिन है, उस बंदी ने मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया. मुझे लगता है कि आप कैसे किसी को ये स्टैंप लगा सकते हो उस पर कि वो हराम काम करें, जब आपको उसकी नीयत नहीं पता, जब आपको उसके हालात नहीं पता, जब आपको उसकी काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं इल्म, तो आप कैसे किसी पे ये थोप सकते हैं कि ओह तुम्हारी आवाज़ तो ना महरम सुन रहे, कि तुम हराम काम कर रही हो? हराम हलाल के उसमें जाएँ तो फिर तो बहुत सी चीज़ें हैं. वो एक हदीस है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है. तो आपको मेरी नीयत नहीं पता, आपको मेरे हालात नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें जिनका मैं ढिंडोरा नहीं पीट रही आपको नहीं पता, तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप आके हराम हलाल का मुझ पर टैग लगा सके कि मैं हराम काम कर रही हूँ, मैं हलाल काम कर रही हूँ. रही बात वो लाइन कौन सी है जिसमें बुरा ना लगना और लगना, तो आई थिंक कि वो आपके अल्फाज का चुनाव और आपके लहजा होता है.
यही बात अगर वो मुझे कुछ और अंदाज में कहती कि यार तुम मेरी दोस्त हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह कोई और तुम्हारी आवाज़ सुने, तो मैं उसको शायद बताती कि क्या रीजंस हैं, किस वजह से है, मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जो आई नीड टू वर्क। लेकिन नहीं, आपके अल्फाज का चुनाव और आपका लहजा बहुत मैटर करता है इन चीज़ों में। वही एक बॉर्डर लाइन होती है कि आपके अल्फाज ऐसे हों, आपका लहजा ऐसा हो कि दूसरे इंसान को तकलीफ ना हो और दूसरा इंसान उसको अच्छे से प्रसीव कर सके। तो आई थिंक कि आप अगर किसी को किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना ही चाह रहे हैं, हेल्दी क्रिटिसिज्म, तो वो ये है कि आप अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करें। आप पहले खुद से सोचें कि मैंने क्या बोलना है और मुझे किन अल्फाज में बोलना चाहिए कि उसको बुरा ना लगे। वेरी नाइस, यस, बहुत सारे अच्छे आपने पॉइंट्स दिए हैं और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया है। तो अगेन देखते हैं कि आपकी बातें लोगों को कुछ मोटिवेट कर सकेंगी, लोग कुछ कमेंट्स करेंगे, कुछ हमें फीडबैक देंगे। और सो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। हम कोशिश करें अच्छे टॉपिक्स, अच्छे सब्जेक्ट्स पर हम बातें करें और लोगों से कुछ सीखें और लोगों को कुछ सिखा भी दें। सो बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारा पॉडकास्ट सुनते रहें। podcast@gmail.com ईमेल एड्रेस है, उस पर जाकर आप हमें ईमेल करें, हमें अपने कमेंट्स वहाँ से भी, फीडबैक वहाँ से भी दे सकते हैं और अपनी वॉइस नोट्स भी सेंड कर सकते हैं और हम लोग उसे अपने प्रोग्राम में ऐड भी करेंगे। थैंक्स, बहुत शुक्रिया आप सबका, ख्याल रखें।